हुए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हमारे सभी ग्रुप्स में टेलीग्राम चैनल्स पे और WhatsApp पर अपडेट किया गया जो कल हमारे कम्युनिटी ट्रेडर्स ने ट्रेड किया और जिस तरह से वो प्रॉफिट्स बुक हुए तो वो आपके पहले से सिखाए गए सेटअप में से एक है जिसको कल हम लोगों ने ट्रेड किया तो कई ट्रेडर्स ने जब वो अपडेट हुआ तो कई ग्रुप ट्रेडर्स ने और टेलीग्राम से बहुत लोगों ने मैसेजेस किए और कहा कि सर प्लीज़ एक बार दोबारा से उसको दोहराया जाए ठीक है तो मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ और क्लैरिटी के साथ हम एक बार समझेंगे कि कल लॉन्ग क्यों किया गया और मैं आपको बता दूँ ऑप्शन बायर हैजिंग करने के लिए और इक्विटी में इंट्राडेट ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शंस में इंट्राडेट ट्रेडिंग करने के लिए इससे बेहतरीन प्राइजेशन का कोई भी सेटअप आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो जाइएगा वहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं अच्छा मैं आपको बता दूँ बैंक निफ्टी में विद इन अ मंथ तीन से चार बार ये प्राइजेक्शन बनता है निफ्टी में तीन से चार बार फिर निफ्टी में तीन से चार बार सेंसेक्स में दो से तीन बार तो आप मान के चलिए कि पूरे महीने आप इंडेक्स को ही ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं दूसरी बात इक्विटी में डेली सात से आठ स्टॉक आपको इसी प्राइजेक्शन पे बाई करने के लिए दावत देते हैं पूरे एग्जीक्यूशन तक लेकर आते हैं ठीक है और बहुत अच्छे मैं आपको बताऊँ इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है five, तक रखा जा सकता है एक ट्रेड में अगर आप एक रुपये का रिस्क लें तो छह रुपए एक रुपये छह रुपए देने को तैयार है।, तो है ठीक है तो क्या है होता है समझे पहली बात हमको एक वीक प्राइज एक्शन को पहचानना होता है अच्छा वीक प्राइज एक्शन को पहचानना क्या होता है पहले तो ये समझिए इसका डेफिनेशन है कि जो प्राइज कल के सेशन में जैसे आज मुझे ट्रेड करना है और कल के सेशन में क्या हो गिरकर बंद हुआ हो नियर बाई क्लोजिंग गिरावट हुई हो मैंने क्या कहा कल के सेशन में गिरकर बंद हुआ हो गिरावट के साथ क्लोजिंग के पास जैसे सवा तीन साढ़े तीन के आसपास बाजार दो बजे से गिर रहा हो या कोई स्टॉक दो बजे से गिर रहा हो पूरे सेशन गिरा हो तो भी कोई तकलीफ नहीं बस वो क्लोजिंग के टाइम पर भी गिरावट दिखनी चाहिए ठीक है तो वहां पर क्या होगा उन स्टॉक्स का हमको वॉच लिस्ट बनाना होगा अच्छा वीक प्राइस ही और वीक होगा ये प्राइस का एक बिहेवियर है कमज़ोर भाव है उसको ही और कमज़ोर करने के लिए पोजीशंस बनाई जाती हैं जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल के तौर पर मैंने देखा वीक प्राइस है आपने देखा वीक प्राइस है कि क्लोजिंग वीक हुई है तो मैं आप और हम आप जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स पहले से ऐसे प्राइस को ऐसे स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं क्यों हम लोगों को प्राइस के फ्लो के साथ ही ट्रेड करना होता है इसी को ट्रेडिंग कहते हैं जिधर प्राइस का भाव है बस उसके साथ चलना सीखना है आइडेंटिफिकेशन चाहिए तो एक कमजोर भाव को आइडेंटिफाई कर लिया क्यों क्लोजिंग के पास गिर कर बंद हुआ था कल के सेशन में बस इसलिए और अब क्या करेंगे अब कल के सेशन के जैसे गिरावट हुई और गिरावट इस तरह से हुई और क्लोजिंग के पास इस तरह से गिर के बंद हुआ तो कल के सेशन के डे लो मार कर लिए डे लो करने से क्या होगा कि कल के सेशन में जितनी सेलर्स से सेल करके जहां तक गिरा पाए थे उस लेवल की मार्किंग हो गई अब अगर प्रीवियस डे लो निकला आज के सेशन में तो क्या होना चाहिए प्राइस को और गिरना चाहिए कमजोर भाव और कमजोर होगा नई सेलिंग आ रही है फ्रेश सेलिंग आ रही है तभी तो प्राइस डे लो ब्रेक कर रहा है प्रीवियस डे लो पिछले दिन के न्यूनतम स्तर ब्रेक होने का क्या तरीका होगा कल की सेलिंग से ज़्यादा आज सेलिंग हो मतलब कल जितना शॉर्ट किया गया वो प्राइस आज उससे ज़्यादा कहीं शॉर्ट की पोजिशन बन गई हो तो ही डे लो ब्रेक होंगे जैसे ही प्राइस अब अगले दिन ओपन होता है कॉस्ट पर या थोड़ा सा गैप अप या यहीं कहीं थोड़ा सा नीचे भी खुल जाए और प्रीवियस डे लो के अंदर ही ओपन होता है कहीं ना कहीं ओपन होने के बाद प्राइस प्रीवियस डे लो ब्रेक कर देता है अब इसी का तो वेट कर रहे थे हम जैसे और आप जैसे ट्रेडर्स मतलब क्या करना चाह रहे थे लॉन्ग करना शॉर्ट करना चाह रहे थे और गिराना चाह रहे थे प्राइस में और पैनिक चाह रहे थे तो हम लोग अब क्या करेंगे डे लो ब्रेक होते ही शॉर्ट्स की पोजिशन लेंगे अब सोचिए पहले इंस्टीट्यूशंस ने सेल किया फिर रिटेलर्स हम जैसे आप जैसे समझदार ट्रेडर्स ने उसको पहचान लिया तो शॉर्ट्स की पोजीशन हुई होंगी तो अब तो प्राइस को बिल्कुल क्लियर गिर जाना चाहिए ऐसा होता भी है लेकिन कब नहीं होता ज़रा ध्यान दीजिए जब प्रीवियस ट्रेंड पॉजिटिव रहा हो कि ये प्राइजेक्शन बना हो लेकिन पहले से ट्रेंड अब ट्रेंड है तब ऐसा नहीं होता जैसा कि हमारे इंडेक्स में है देखिए अब क्या होगा अब प्राइस डेलो ब्रेक करेगा और इतनी सारी शॉर्ट सेलिंग के बावजूद अब इतनी शॉर्ट सेलिंग के सामने सोचिए इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है प्रॉफिट बुकिंग हुई ना कल और पिछले बाजार में पिछले जितने भी ट्रेडिंग सेशन के क्या हुआ प्रॉफिट बुकिंग हुई हम लोगों ने की आप लोगों ने की इंस्टीट्यूशनल एफ आई का आप डेटा देखिए आज के सेशन में लगभग ढाई हजार करोड़ की बिकवाली है डी का डेटा देखिए बाईस करोड़ की खरीदारी वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ तो अब इतनी बड़ी सप्लाई के अगेंस्ट सोचिए इतने पैनिक में आकर कोई खरीदारी करे तो हम आ, और आप जैसे ट्रेडर्स की बात है क्या नहीं ये कौन कर सकता है बड़े इंस्टीट्यूशनल कर सकते हैं इसका मतलब है अगर कोई बड़ा खरीदार आएगा तो प्राइस कैसा दिखेगा ये भी तो हमको जानना चाहिए तो प्राइस कैसा दिखेगा जहां तक प्रीवियस डे लो ब्रेक होने के बाद एक गिरावट हुई होगी तो इसको हम क्या कहेंगे करंट डे लो करंट डे लो से प्राइस रिकवर करे और क्लोजिंग करने कहां चला जाए क्लोजिंग करने चला जाए प्रीवियस डे लो के अंदर अब मैंने कहा जैसा क्लोजिंग के पास प्राइस दिखता है वैसा ही नेक्स्ट स्टेप प्राइस का होता है तो पहले कल की क्लोजिंग वीक थी लेकिन पहले घंटे की क्लोजिंग कैसी हुई बिकवाली के बाद सेलिंग के बाद पूरी रिकवरी करते हुए पॉजिटिव क्लोजिंग डे लो के नीचे प्राइस गया सेलिंग चल रही थी लेकिन पूरी रिकवरी हुई और प्राइस डे लो के अंदर क्लोज किया अब सोचिए जिन जिन लोगों ने शॉर्ट किया था सारे ट्रैप हो गए और मैं आपको ट्रिपल टी का आप लोग कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में ट्रे, ट्रेड द ट्रैप बताइए तो ट्रेड द ट्रैप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसमें से एक ये भी है तो ये क्या हुआ ट्रेड द ट्रैप सेलर्स जहाँ पर फंस गए अब उनको बाजार निकलने का मौका नहीं देगा उनके लिए जाल बिछाया गया था अब उनको निकलने का मौका नहीं देगा तो अब क्या होगा प्राइस अप ट्रेंड ऊपर की तरफ निकलेगा ठीक है तो आपको क्या करना है जैसे ही पहली कैंडल क्लोज़ करे उस पहली कैंडल के हाई निकलेंगे तो डे लो के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर दीजिए बात क्लियर हुई ये इतना परफेक्ट प्राइजेक्शन का बिहेवियर है कि पहली रिकवरी के बाद जैसे ही पहली कैंडल के हाई निकले जो डेलो के अंदर क्लोज कर गई अब लॉन्ग कर दीजिए जैसे यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम पर और मैं आपको बताऊँ अब इसके बाद आप लोगों के डाउट कौन से टाइम फ्रेम पाँच दस पंद्रह पच्चीस तीस मिनट वन आवर टू आवर किसी भी टाइम फ्रेम को ट्रेड कीजिए कभी ब्रेकआउट फेलियर देखने को मिले तो मुझसे मैसेज कीजिए और अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया हो तो मैं आपका जितना भी आपने लॉस किया बस बशर्ते आपकी एंट्री ठीक होनी चाहिए मुझे बताइए ठीक है अब मुझे वो चार्ट भी मैं पूरा आपका लॉस का पैसा दूंगा आपको ठीक है इतने कॉन्फिडेंस से कोई बात कह रहा हूँ हमारे ट्रेडर्स कभी लॉस नहीं करते कम्युनिटी में मैं कल मैंने इस पे ट्रेड कराया हमारे ट्रेडर्स ने ट्रेड किया और डेली आप कम्युनिटी क्यों ज्वाइन करते हैं आप एडमिशन लेते हैं उसके पीछे कारण क्या है इस तरह है के एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रैक्टिकल तक ले जाते हैं वहां आप लोग सीखते हैं ये चीजें ट्रेड करके देखते हैं लाइव मार्केट में डेली प्रॉफिट बुकिंग कराता हूँ पिछले ढाई महीने से हमारे किसी ट्रेडर ने एक पैसे का नुकसान नहीं किया सोचिए हैजिंग करते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट पे कल ये प्रीमियम हम लोगों ने वन ट्वेंटी के आसपास सेल किया एक सौ बीस का प्रीमियम सेल किया प्रॉफिट बुकिंग की चालीस पर अस्सी पॉइंट का प्रॉफिट एट्टी पॉइंट्स कल के सेशन में और ऐसे जो मैंने जो अग्रेसिव ट्रेडर है वो चार चार सौ छः छः सौ पॉइंट निफ्टी को जिन्होंने ट्रेड किया एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशन था एक्सपायरी को मैंने एक आपको सेटअप बता रखा है कि ठीक है दो बजे ढाई बजे के बाद जो प्रीमियम्स आप लोग बाई करते हैं कल वो जैकपॉट साबित हुआ लोगों का पैसा आठ आठ गुना तक ए एक्स तक हो गए तो बिल्कुल प्रैक्टिकल लर्निंग दे रहा हूँ और आप इन चीज़ों को सीख रहे हैं बस इसको एग्जीक्यूशन तक ले जाने के लिए आप कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं मैं जब आपके ट्रेड्स कराऊंगा डेली उस पर चर्चा करूंगा एक घंटे का सेशन फिर आके आप दोबारा अगले सेशन में ट्रेड करेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आप खुद ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे जब इतना लॉजिकल होगा सब कुछ तो। ठीक है अब ये देखिए पहले कैंडल के, के हाई मार्क किए जब भी ये हाई निकले पाँच दस पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम में वहीं लॉन्ग कर दीजिए देखते हैं कैसे आपका ऐसा हिट होता है यहाँ पर ये हाई निकले पहले ये हाई हुए ये हाई निकले लॉन्ग कीजिए एस स्विंग लो या डे लो का जो भी आपको अच्छा लगे कोई नहीं लगेगा अब देखिए यहाँ के बाद सैंतालीस तीन सौ के बाद प्राइस ने अड़तालीस हज़ार अस्सी की हाई लगा दी है आज के सेशन तक सोचिए सात आठ सौ पॉइंट का मोमेंटम आपके सामने से निकल कर गया ठीक है इस तरह से जब आपके एग्जीक्यूशन होंगे तो लॉस कभी नहीं हो सकता अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए अगर चैनल्स को ज्वाइन करना है व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप को तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसको ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है चलिए शुभ रात्रि धन्यवाद